और अभी दूसरे खेत पर गया था मैं, तो वहाँ से घूम के मैं, और देख सकते हैं सुबह के टाइम पर नहीं। दोस्तों हमारे गांव के प्रधान जी भी आए हैं, देख सकते हैं इंद्रजीत पाल हैं। सर अच्छी दीपावली आ गई, दीपावली आ गए ना दोस्तों, इसी की वजह से। और दोस्तों बाल कटिंग करवाने आ गया हूँ काव्या का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है हमारे ब्लॉग्स में। दोस्तों सुबह के 6 बजने वाले हैं और 6 से ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अभी वो दिन निकलने वाला है, और अब जा रहे हैं दोस्तों खेत की तरफ, क्योंकि दोस्तों धान में सिंचाई लगाया हूँ तो जाके देखना पड़ता है, नहीं दूसरा कोई पानी लगा लेगा। और अभी दूसरे खेत पर गया था मैं, तो वहाँ से घूम के मैं आ चुका हूँ, अब जा रहा हूँ आगे की ओर। और देख सकते हैं सुबह के टाइम में दोस्तों कितना कोहरा रहता है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन शुरुआत है, क्योंकि अभी जितना समय बीतेगा, जितना दिन बीतेगा उतने दिन कोहरा बढ़ता जाएगा दोस्तों, आने वाले समय कोहरा बढ़ता जाएगा। और रात को जो है दोस्तों ठंड पड़ती है, देख सकते हैं इनर पहना हूँ, इनर के ऊपर जो है टी शर्ट है मेरा, बहुत सीट पड़ती है दोस्तों, शायद अगर धान में घूमना पड़ता पड़ जाता है और तो पूरा पैंट भीग जाता है। दोस्तों ये देख सकते हैं दिन निकलने वाला है, क्योंकि सूर्योदय देख सकते हैं हो रहा है और कोहरा भी है बीच बीच में, देख सकते हैं आप लोग। और इधर धान की फसल है, और इधर देख सकते हैं बहुत ही सुनहरा मौसम लगता है सुबह का। और दोस्तों ये हमारी धान है, और देख सकते हैं किस प्रकार से इसका जो है इतना धान निकल आया दोस्तों, देख सकते हैं। हो सकता है कि 15 दिन में धान पक जाएगी, अभी तो समय लगेगा इसमें धान पकने में, क्योंकि हम लोगों की धान की बुआई जो है, धान की रुपाई लेट में हुई थी, इसके वजह से समय लग रहा है दोस्तों इसमें। जिसकी धान की रुपाई पहले हो गई दोस्तों, उनका जो है वो धान जो है पक गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों कितना शीत है, ये देखिए दोस्तों। दोस्तों आ गया हूँ अपने खेत पर, आप सभी को मैं धान तो दिखाया अपना धान कैसा है, और इधर दिखाता हूँ पानी गिर रहा है कि नहीं। और दोस्तों शीत बहुत ज़्यादा है, चलने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, पैंट भी भीग जाता है इसमें। देख सकते हैं लाठी लेकर आया हूँ, शीत पहले ऐसे हटा देता हूँ लाठी से, उसके बाद पानी दोस्तों यहाँ निकल रहा है, दिखाता हूँ आप सभी को। दोस्तों पानी यहाँ गिरा है, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों हमारे गांव के प्रधान जी भी आए हैं, देख सकते हैं इंद्रजीत पाल हैं, और बहुत ही ईमानदार प्रत्याशी थे जो है, तो गांव वालों ने विजयी बनाया है। देख सकते हैं इधर मुरारी चाचा है, इधर रोजगार सेवक हमारे जो है सभापति भैया है शिवचल पाल। तो दोस्तों अब चलते हैं, लोगों से कुछ बातें कर लेते, उसके बाद आप लोगों से बातें करेंगे। दोस्तों खेत से घर पे आ गया हूँ, और देख सकते हैं इधर लिपाई चालू है और कार्तिक घूम रहे हैं, और इधर देख सकते हैं आप लोग काव्या और आंचल जी, और उधर वो साक्षी। दीपावली आ गई, दीपावली आ गए ना दोस्तों, इसी के वजह से लिपाई पुताई शुरू हो गई है, दीपियां जलाएंगे हम लोग। हाँ कार्तिक क्या हो रहा है, कार्तिक क्या हो रहा है बताओ, घर की सफाई हो रही है। कार्तिक नहीं बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या आपके यहाँ भी जो है लिपाई पोताई शुरू हो गई है, और दीपावली की तैयारी हो रही है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। सकते हैं उधर आगे तक जो है गोबर से लिपाई हो गई है, इधर पूरा देख सकते हैं, अभी दीवार बाकी है, अभी जमीन पे जो है लिपाई चालू है, जब पूरा दीवार का भी पेंटिंग हो जाएगी तब आप लोगों को सीन दिखाऊंगा कैसा लगता है हमारा घर। दोस्तों खाना आ गया है और खाना खा लेते हैं, और कार्तिक भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, और ये देखिए खाने में क्या क्या है, और रोटी है, सब्जी और चावल। सब्जी काहे खाए हो, लौकी और आलू है दोस्तों, और पालक भी मिलाई गई है। चलते हैं खा लेते हैं दोस्तों, तब आप लोगों से बातें करते हैं।
और मूली अभी उधर है, मूली उखाड़ने के लिए काव्या गई है, उखाड़ के लाएंगे तब उसको भी खाएंगे। दोस्तों बाल कटिंग करवाने आ गया हूँ काव्या का। आज जो है संडे था यानी छुट्टी था, तो मैंने सोचा कि इनका बाल कटिंग करवा दूँ, बड़ा बड़ा हो गया था। और बुद्धू शर्मा जी के पास आए हैं, देख सकते हैं हम लोग कटिंग कर रहे हैं। और इन भाई साहब का हो जाएगा तब काव्या का नंबर लगेगा। दोस्तों काव्या का बाल कटिंग करा करके घर आ गया हूँ, और देख सकते हैं इनका बाल कटिंग ऐसे करा दिया हूँ क्योंकि बड़े बड़े बाल हो गया था, थोड़ा चला दिक्कत होती थी जो है आँख में आता था जो है। और देख सकते हैं उधर सभी लोग खड़े हैं और पोताई की तैयारी बन रही है, घर की पोताई की तैयारी बन रही है, देख सकते हैं सब लेकर। दोस्तों चलते हैं, हम नहा लेते हैं, नहाने के बाद आप लोगों से बातें करेंगे। दोस्तों नहा के खाना खा के रेडी हो गया हूँ और अब चलता हूँ दूसरे काम में। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।